Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. Inner Beauty की श्रृंखला में Awakening with Brahma Kumaris में आज फिर आप सबका स्वागत. अब बहुत सारी बातें तो समझ में आई हैं, लेकिन जैसे हर बार कहते हैं कि जब कुछ नया समझते हैं तो फिर इतनी जल्दी हमारे दिमाग में रहे या हमारे साथ रहे ये ज़रूरी नहीं. इसीलिए ज़रूरत है कि एक बार फिर रिकैप करें और ये जानें कि क्या क्या कुछ हमने सीखा है इस श्रृंखला में. तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. आप दोनों का स्वागत. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर शिवानी, एक छोटा सा रिकैप, क्योंकि बहुत सारी बातें अब नई आई हैं और जैसे नए को दोबारा बिठाने के लिए, जैसे आपने कहा था कि न्यू क्रिएट करना है, सो वी नीड आई थिंक रीवैम्पिंग या बार बार रीइंस्टेट करने के लिए. क्या कुछ हमने बात की है इस पूरी सीरीज में? हमने बात की सबसे पहले अडैप्टेबिलिटी के, कि एडजस्टमेंट. जबकि हम सब समझते हैं कि हम बहुत एडजस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर वो एक सफोकेशन होता था और कई बार थक भी जाते थे और कहते थे अब कितना और एडजस्ट करें. अडैप्ट हम उनके व्यवहार के साथ. एग्जैक्टली, क्योंकि हम उनके लिए एडजस्ट कर रहे थे और हम बाहर एडजस्ट कर रहे थे. और फिर हमने देखा हम एडजस्टमेंट ओनली मीन्स कि वो जैसे हैं उसको स्वीकार करना, उस व्यक्तित्व को, और उस अनुसार अपने आप को अडैप्ट करना, विच मीन्स अपनी प्रोटेक्शन अपने लिए. उनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनको स्वीकार करके हम कैसे स्टेबल रहें, और ये हम अपने लिए कर रहे हैं, विच वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट. औरों के लिए कर रहे थे तो फिर गिनती होती थी कि हम कितनी बार एडजस्ट करें, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं तो देन इट्स अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. वेरी ट्रू. एक तो अडैप्टेबिलिटी की बात की डॉक्टर पटेल, दूसरी इम्पोर्टेंट बात थी स्टेबिलिटी की. क्योंकि जैसे कि जब पानी भी स्टेबल होगा तो हम अपना चेहरा क्लियर देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से जब मन स्टेबल होगा, आत्मा भी स्टेबल होगी, तब सचमुच इनर ब्यूटी का निखार आएगा. देन वी टॉक्ड अबाउट फ्रस्ट्रेशन, कि जब भी कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं या किसी रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं या कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं हो रही या हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं. और हमने फ्रस्ट्रेशन को एक नेचुरल ही माना हुआ था, और फिर हमने देखा कि जो चीज़ हमसे नहीं हो रही है उस पर ना फोकस करके, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, विच इज़ आर स्टेट ऑफ माइंड, उस पर फोकस करें, तो फिर बाहर भले कंट्रोल नहीं हो, लेकिन माय इनर स्टेट ऑफ बीइंग विल बी इन माय कंट्रोल. क्योंकि जितनी देर हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, हमारी बहुत सारी वैल्यूबल एनर्जी वो ऐसे ही वेस्ट जा रही है, विच कुड बी यूज्ड इन डूइंग द एक्चुअल टास्क. हमने सेल्फ रिलायंस के बारे में भी चर्चा की कि जो सेल्फ रिलायंट व्यक्ति है वो अंदर से स्ट्रांग है, वो बल इंडिपेंडेंट सोचता है लेकिन वो अंदर से स्ट्रांग है, इसके कारण वह जो भी कार्य है वह सही प्रकार से कर पाता है. हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है लोगों के ऊपर. वी हैड टॉक्ड अबाउट इट कि क्या अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे तो हम लोगों से दूर हो जाएंगे. नो, सो देयर इट हैड कम आउट कि इनफैक्ट वी विल बी मच मोर लविंग. वही, दैट वाज सोशल वार्मथ. हमने सोचा स्पिरिचुअलिटी हमें कोल्ड बनाती है, लेकिन फिर हमने देखा कि जितना हमारी स्थिति औरों के व्यवहार और संस्कार के प्रभाव से बाहर निकलती जाती है, उतना हम औरों को स्वीकार करते हैं और उनके साथ प्यार से चल सकते हैं. तो हमारा जो पूरा दायरा है कि कितने लोगों से हमारी बहुत अच्छी तरह से बनती है, वो दायरा बढ़ता जाएगा. और अगर हमारे आसपास कोई दर्द में है तो हम उनके साथ उनके दर्द में नहीं चले जाएंगे, हम एम्पथी रखेंगे, मतलब हमारी स्थिति ठीक रहेगी, बट वी विल अंडरस्टैंड देयर पेन एंड देन बी विद देम in, you know, carrying out the solution of how to heal themselves. So we saw the difference between sympathy and empathy. Okay. Ek detached observer, stable rehkar, dusro ko empower kar sakta. Uska stable rehna hi dusre ke liye empowerment ho jati hai. And then we become socially more active. Right. Yeah. हमने guilt proneness की भी बात की. I remember that very nicely. Yes. कि कैसे आज उस प्रकार की एक tendency हो गई हमारे में, और किस प्रकार से अभिभावक बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं उसी समय वो स्टार्ट हो जाता है गिल्ट प्रोननेस. हमने ये भी डिस्कस किया था कि पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, कि पहले से हम उस बात को लेकर के आए हैं और इस जन्म में बस थोड़े से कोई सिचुएशन आई तुरंत हम गिल्ट प्रोन हुए. टीचर्स भी इसमें रोल अदा करते हैं. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो ये बात निकली थी कि आपने अगर गलती की
तो आप गलत नहीं, नहीं हो. यू नो, हमने जो वो एक बिलीफ सिस्टम पे है कि मुझसे गलती होते ही या किसी और से भी गलती होते ही वही इंसान गलत हो गया है. जी. और जैसे ही हमने उसको समझा कि आप और कर्म अलग है, तो असर्टिव होना इजी हो गया. आज दिन तक जब हम क्रोध करते थे तो हम व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते थे. कर्म अलग बात थी, लेकिन हमें व्यक्ति पर गुस्सा आता था, उससे वो बुरा लगता था. एंड देन वी वर गेटिंग एंग्री, एंड फिर वो हमारे चित्त पर रहता था, एंड वी कुड गो आउट ऑफ कंट्रोल, एंड हम बहुत कुछ कह देते थे विच वी वुड रिग्रेट. वो एंगर था. एंड देन वी सॉ कि जितना हम अपना ध्यान रखेंगे, हम असर्टिव हो जाएंगे. मतलब अगर कोई कुछ गलती करता है, हम आगे उसकी अप्रोच को ये करेंगे कि सल्यूशन क्या है, और उसको, उसकी गलती को अपने चित्त पर नहीं रखेंगे और व्यक्ति को बुरा नहीं समझेंगे. कर्म में गलती हुई है तो फिर हमें काम करवाना प्यार से, लेकिन असर्टिवली, वो सिंपल हो जाएगा. साथ साथ हमने मोटिवेशन के बारे में भी चर्चा की कि आज बाह्य चीज़ें हमें मोटिवेट करती है. वास्तव में अगर हम लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन चाहते हैं तो इनर मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेटर विदिन. जब हम ये सारा कुछ करेंगे तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा. तो हर स्टेप में, हर परिस्थिति में एक नई सोचने का तरीका, जीवन को एक नए तरह से जीने का तरीका, वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, ऑटोमेटिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग विल स्टॉप एंड क्रिएटिविटी विल इमर्ज. के हर स्टेप में, बात चाहे कितनी भी बड़ी होगी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऑन हाउ टू थिंक, हाउ टू फील, हाउ टू रिस्पॉन्ड. आज दिन तक कार्य में सिर्फ कहा कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आज फीलिंग में भी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देर इज़ अ न्यू वे ऑफ फीलिंग. तो जीवन जीने के तरीके में क्रिएटिविटी फिर सहज आने लगे. हमसे हो नहीं रहा है, इसीलिए मुझे रिकैप चाहिए था. क्या करें डॉक्टर पटेल, हाउ कैन वी अचीव दिस? इसको अगर पूरा हम चाहते हैं कि जो परफेक्शन की शुरू में हमने बात की थी कि वे इनर ब्यूटी को डेवलप करते करते हम परफेक्शन तक पहुँचे, तो एक तो तरीका यह है कि आज अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को देखें तो उसको हम कुछ भागों में बांट सकते. एक तो यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ, आई नो दैट आई नो. मेरी जो वीकनेस है उसको जानता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ को जानता हूँ, मेरी ब्यूटी को जानता हूँ. वो एक स्थिति है, वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है वास्तव में. दूसरा थोड़ा बड़ा हिस्सा है, आई नो दैट आई डोंट नो. उसको फाइंड आउट करना चाहिए. और एक्चुअली उतना ही बड़ा और एक हिस्सा है कि आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. Yes, that's okay. I think that's a very big one. Because I always feel that I know myself. अपने बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ. You know, but that's so true. I don't know, but I don't know. तो वो find out, ये दोनों हिस्सों को find out करना है. जो second है कि I know that I don't know, उसको अगर हम जान ले अच्छे से तो फिर हम परिवर्तन करेंगे. तब तो हम सर्च पे जाएंगे. हाँ. अगर एक बार हमें लगे कि हाँ, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो we would like to know. और कब कैसे होगा? एक तो आप अपने ही विचारों को देखो, अपनी फीलिंग्स की चेकिंग करो कि सारे दिन में मन में क्या विचार आ रहे, क्या फीलिंग्स आ रही है. और अगर आप सजग होकर के उसको देखेंगे तो जैसे नहीं, बैकग्राउंड में साउंड होता है. ये शूटिंग के दौरान भी हमें ध्यान रखना होता है कि बैकग्राउंड में तो कोई आवाज़ नहीं हो रहा है, परंतु वास्तव में अंतर मन में वो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है. तो जो बैकग्राउंड में चल रहा है उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो वह कैच कर पाएंगे अंतर्नाद जो चल रहा है कंटिन्यूअस, कि भाई अंदर में जेलसी है कहीं पर. है ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. मुझे अच्छा नहीं लगा, आती है वो इमोशन और चली जाती है. यू नो, कोई ऐसा आया व्यक्ति जिसे देख के मुझे, मेरे अंदर क्या हुआ. हाँ, किसी ने कुछ व्यवहार किया तो हमें लगा कि जेलसी आ गई अंदर में. और कोई मुझसे ज्यादा सुंदर आया, मुझे एकदम से कोई अच्छे कपड़े पहन कर आया, यू नो, कोई ज्यादा लविंग आया, जो एक जो हम मेरे पास नहीं वो दिखा. सो आई कैन, यू नो, आई और मैं को रियलाइजेशन भी नहीं होता कि दीस थिंग्स हैव कम इन मी. तो अगर वह हम उसको, उस पर सजग होंगे, सजगता से कार्य करेंगे, तो उसे हम कैच कर सकते हैं. इसको कैच करने का एक दूसरा तरीका है कि जो भी लोग हमारे आसपास है वह भी कभी ना कभी हमें बताते हैं. उदाहरण के रूप में अगर मेरे में आलस है तो कभी शिवानी बहन मुझे कहेगी कि देखो भैया आपने आलस किया, पेट आपने ऐसे नहीं किया,
लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं आया हाँ. आया नो बिकॉज नो शी डजंट लाइक मी दैट्स व्हाई शी इज यानी ऐसी कोई भी बात ऐसा करके हम स्वीकार नहीं करते. परंतु बहुत जरूरी है कि वो स्वीकार करो, चेक तो करो कम से कम. हाँ नहीं ये है कि भी लोग शायद उसको बढ़ाते होंगे कि मेरे में 5% है, आपने उसको 90% बना दिया, परंतु वो 5% तो जरूर है. अगर मैं रोज पंक्चुअली काम पर आता हूँ तो कोई नहीं कहेगा कि आप रोज लेट आते. मैं एक दिन भी लेट आया तो कोई कहेगा कि आप रोज लेट आते हो. तो उस चीज़ को जो नहीं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे आसपास लोग हैं, परिवार के सदस्य, मित्र, संबंधी, वो जो बात बताते हैं हमारे बारे में, हमें उस पर भी सोचना चाहिए. वो जितनी भी सत्यता है उसको हम स्वीकार करें. और अभी जो तीसरी बात है कि आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, वह तो कब होगा कि कोई भी ऐसे समय पर वह बात बाहर आएगी, वो थॉट के रूप में ना भी आए, वो कोई एक प्रकार की फीलिंग के रूप में भी आ सकती है, मेरे बिहेवियर के रूप में आ सकती है. हाँ, बिहेवियर के रूप में ना भी आए वास्तव में, बिकॉज नो आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. वो कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है, अंदर में कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग हो सकती है, कुछ भारीपन लग सकता है, सैडनेस लग सकती है, आपको पता नहीं किसका कारण क्या है, कोई भी थॉट नहीं है. कई बार क्या होता है, ऑब्सेशन हो रही है लोगों को, यू नो, किसी व्यक्ति को लेकर सडनली दे आर लीडिंग अ नॉर्मल गुड हैप्पी लाइफ एंड दे गेट ऑब्सेस्ड विद समथिंग. ट्रू ट्रू. एंड इट लाइक इट्स सो हैवी, इट्स सो डिफिकल्ट. आई मीन दिस इज आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. वो पास्ट बर्थ की भी कोई बात हो सकती है ऐसी. तो इस प्रोसेस को अगर ठीक से हम करके यह पता कर ले कि अंदर में इनर ब्यूटी को डिस्टर्ब करने वाले मेरे में कौन सी बातें हैं, और फिर अब एक एक पर काम करना पड़ेगा. हमने चर्चा भी की थी कि बड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें पेशेंस चाहिए, सिर्फ प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है. आज हम और चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, परंतु ये जो इनर ब्यूटी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं. तो उसके लिए प्रतिदिन समय निकालें. प्रतिदिन कम से कम मैं समझता हूँ कि आप 40 मिनट का समय दिन में दो बार निकालिए और कुछ मेडिटेशन करिए और कोई तरीके अपनाइए कि जिसके द्वारा आप ये जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को समाप्त कर सको. उसमें जैसे हमने ये पैप टेक्निक को डिस्कस किया था, वैसे ही दूसरी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इनर डेवलपमेंट प्रोसेस, कि अंदर से हमें डेवलप होना है. इसके 5 स्टेप्स है. पहला स्टेप है रिलीजिंग, दूसरा स्टेप है विटनेसिंग, थर्ड है कॉन्सेंट्रेटिंग, फोर्थ है रिलैक्सिंग, और फिफ्थ है अचीविंग द सेम थिंग. किसी भी एस्पेक्ट के पास नहीं, कोई भी एक चीज को जैसे भी मेरे में जेलसी है या तो मेरे में हेट्रेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, भी हेट्रेट को दूर करना है तो यह इनर डेवलपमेंट प्रोसेस से मैंने एक बार समझ लिया तो हेट्रेट को मैं दूर कर सकता हूँ. सबसे पहले तो रिलीजिंग में हमें उसको रिलीज करना है, जो कहें ना ये भी है कि आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, ऐसी भी कुछ बातें हैं. हम अपने आप से छुपाते रहते हैं कि हाँ, मतलब yes we keep on feeling that hatred but हम अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करते कि मैं उससे नफरत कर रहा हूँ. या और कुछ भी हो तो रिलीजिंग में क्या करते हैं कि भी एक तो आपको दौड़ना है, सिंपल चीज, जोर जोर से सांस लो, नहीं ये रिलीज करने के लिए करते हैं. और कुछ भी कर सकते हैं पहले. अच्छा, बस फिजिकल एक्टिविटी, या लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, तब है ना वो इमोशंस आएंगे. तो जो अंदर में जो दबे हुए इमोशंस है कि जिसको आप जानते ही नहीं है, वो तो कभी बाहर नहीं आएंगे और जीवन भर आप वैसे ही चलते रहेंगे. तो अगर 4-5 मिनट भी किया जाए तो वो इमोशंस बाहर आते हैं. हो सकता है आप में सैडनेस आ जाए, एंगर आए, हेट्रेट आए, आने दो, नहीं कोई बात नहीं है, भलो एक्सप्रेस नहीं भी करो लेकिन वो आएगा तब. हाँ, निकलेगा तो, हाँ जब निकलेगा तब तो फायदा होगा ना. तो समझो 4-5 मिनट रिलीजिंग करते हैं, फिर सेकंड स्टेप है भी विटनेस है. वही एक्नॉलेजिंग एंड विटनेसिंग. हाँ, फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी बात है, मुरली में यह बात आती है, कहा साक्षी दृष्टा. तो जो भी अंदर में फीलिंग आई उसको साक्षी भाव से देखो, एकदम डिटैच होकर के बस साक्षी भाव से उसको देखो, एक दृष्टा भाव ला दो. क्या जैसे मेरे से नफरत हो रही है
तो उसे मैं बुरा नहीं हो गया, ये नफरत क्यों हो रही है मुझे? नहीं, या तो बस एक दृष्टा ही हो जाओ, जैसे भी मैं आपको देख रहा हूँ तो ऐसे बस उस फीलिंग को मैं देख रहा हूँ, वैसा थॉट ना भी हो कि नफरत आई, हाँ कुछ भी हो रहा है मुझे अंदर में, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और फीलिंग आ रही है, तो बस उसको आप साक्षी भाव से देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज है ये। सैडनेस को भी देखें, कितनी बार हमें सैडनेस ग्रिप कर लेते हैं। और अगर आप उसको देखेंगे, जैसे एक सरल सा उदाहरण देता हूँ कि शरीर में आपको कोई संवेदना हो रही है, कहीं कोई प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है और कुछ हो रहा है, अगर आप उसको साक्षी भाव से देखने लगेंगे तो शुरू में तो हो सकता है कि वो बढ़ेगी, वो पोजीशन को चेंज करेगी, लेकिन फिर भी अगर आप साक्षी दृष्टा बने रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। मतलब अगर माइग्रेन हो रहा है तो भी हो सकता है, तो शुरू में पहले सिंपल चीज को लो, you know, तो वो और ज्यादा बढ़ता है when you start looking at it. Initially it might, लेकिन उसी पे हम छोड़ देते हैं। हाँ, शुरू में अगर आप सिंपल से सेंसेशन को ही लो कि प्रिकिंग सेंसेशन है और कुछ कहीं गर्म लग रहा है, उसको आप देखो साक्षी भाव से तो समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही जो अभी अंदर में फीलिंग्स आ रही है उसको भी अगर आप साक्षी भाव से देखने लगोगे तो कुछ समय के बाद वो फीलिंग समाप्त हो जाएगी। और ये बहुत गहरी बात है, शायद तुरंत समझना मुश्किल है, क्योंकि वो जो फीलिंग आती है, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, वो पास्ट बर्थ का भी हो सकता है, वो थॉट के रूप में नहीं आएगा, वो सिर्फ कुछ सेंसेशन के रूप में आएगा। उसको आपने साक्षी भाव से देखा, वह समाप्त हो गया, तो जो अनुभव पास्ट बर्थ का जिसने यह फीलिंग लाई है वह भी समाप्त हो जाएगा, तो उसकी जो इफेक्ट है, क्योंकि अभी तक मैं उससे अटैच हो जाती थी, हाँ, वो इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे ये विटनेसिंग करते हैं और फिर कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन द सेम प्रॉब्लम, नहीं ये तो हो गया, अब तो मैं ये बताता हूँ कि आंखें बड़ी करके एक पॉइंट को ही कॉन्सेंट्रेशन से देखो। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है तो हो गया, वो हो गया, विटनेसिंग हो गया, अब हमको डीप में जाना है क्योंकि परिवर्तन लाना है, तो आंखें थोड़ी बड़ी करके कॉन्सेंट्रेशन से देखो तो आपको लगेगा कि आंखें टायर्ड हो रही है, थोड़ा भी जस्ट लगे फिर आंखें बंद कर दो और डीप मेडिटेशन में जाओ, अब इजी होगा, रिलैक्स भी हो सकते हैं, या तो मेडिटेशन का अभ्यास करो, जितना हो सके उतना डीप मेडिटेशन में जाओ, पहले 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, और जब एक बार लगे कि डीप मेडिटेशन की स्टेज हुई तो फिर अंतिम स्टेज है अचीविंग। अचीविंग में एक मिशन स्टेटमेंट की तरह स्टेटमेंट बनाते हैं कि मैं इससे टोटली, जैसे कि मैं स्वमान से भरपूर हो गया हूं, अगर किसी में स्वमान की कमी है कि मैंने आत्मा को समझ लिया है, मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हूं, मेरा स्वमान बहुत बहुत बढ़ गया है, ऐसे एक स्टेटमेंट बना करके उसको ही रिपीट करते हैं, तो वो व्यक्ति उस स्टेज को हम अचीव भी कर सकते, भले अभ्यास की जरूरत है, परंतु ये 5 स्टेप्स का इनर डेवलपमेंट प्रोसेस करे तो व्यक्ति पूरा एक इनर डेवलपमेंट कर सकता है, इनर ब्यूटी में जो भी कमियां है उसको भी भर के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकता है। आपने पहला कहा रिलीजिंग, फिर विटनेसिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग, फोर्थ इज मेडिटेटिंग, एंड फिफ्थ इज अचीविंग। Achieving is the last, reaffirmation to myself. That, like a mission statement. Okay, that this is this. It makes me feel again very beautiful, Dr. Patel. And, you know, these are the techniques which I think will help. So, कुछ और भी ऐसे methods हैं जो मदद करेंगे? हाँ, और एक बहुत अच्छी technique है, जैसे शिवानी बेन ने संस्कार की बात कही थी, कि भी हमारे संस्कार हो जाते हैं और फिर वो संस्कार गवर्न करते हैं, तो ऐसे ही और एक टेक्निक है जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं, कि वह भी एक प्रकार से ये जो इनर ब्यूटी के एस्पेक्ट्स है, उस इनर ब्यूटी के एस्पेक्ट्स पर कंडीशनिंग करना, वैसा करते हैं कि व्यक्ति को मेडिटेशन की स्टेज में ले जाते हैं, वह जब अच्छे से मेडिटेशन की स्टेज में है तब उसे वो सारी बात याद दिलाते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी की बात है तो वो पूरे इवेंट्स को अच्छे से वीडियो फिल्म की तरह याद दिलाते कि जो सिचुएशन में बिल्कुल स्टेबल रहे थे, परमात्मा की याद में थे, आत्मिक स्मृति उनकी रही थी, कितना अच्छा लगा था,
वो पूरा प्रोसेस याद करवाते हैं। कब याद कराते हैं? एक मेडिटेशन में, पहले मेडिटेशन करवाएंगे 10 मिनट, फिर इस प्रकार की जो उनके इवेंट्स है लाइफ के कि जिनमें वो बिल्कुल स्टेबल रहे थे, तो वो उनको पता होंगे दूसरे। हाँ, उनसे पहले तो पूछ ही लेते। अच्छा। कि वैसे कौन से, और लोग हर एक व्यक्ति के पास होते हैं डेफिनेटली, तो जो उनके इवेंट्स है उसको याद दिलाते हैं, और फिर जब वो याद करते तब ये कंडीशनिंग का बहुत अच्छा एक प्रोसेस है कि वो ऐसे मेडिटेशन में बैठे हैं तो कहते हैं राइट हाथ से लेफ्ट हाथ को पकड़ना है और पूरा याद करो आप, जब इसके साथ वो आपके सारे इमोशन जुड़े हुए कि कैसे मैं स्टेबल रहा, परमात्मा मेरा साथी था, मैं पूरा आत्मिक स्मृति में था, यह स्थिति थी फिर भी ऐसे ही था, और वो बार बार कराते अगेन यू डू इट, नहीं ऐसे 10 बार 12 बार कि भी छोड़िए, फिर से वो सारे इवेंट को याद करें कैसा फील हुआ था, सभी पांचों कर्मेंद्रियों से। अच्छा, आंखों को कैसा फील हुआ, कान में कैसा, क्या सुन रहे थे आप, क्या फील कर, जितना संभव हो, पांचों ना भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो सारा याद करते, फिर से कंडीशनिंग करते। तो ये हाथ को क्यों पकड़ते? ये कंडीशनिंग है, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, ये उसको बार बार कंडीशनिंग किया, फिर अभी ये बताते है कि जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आए, लगे कि अभी मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, आई शुड डू दिस, जस्ट डू इट एंड दैट होल मेमोरी विल कम, नो लाइक अ वीडियो फिल्म, होल मेमोरी विल कम, और इट्स अगेन अ वेरी गुड टेक्निक कि जिससे नहीं व्यक्ति एक सिंपल तरीके से भी ये जो इनर ब्यूटी के डिफरेंट फैक्टर्स है उसको जीवन में अपना सकता है। तो आप इनर ब्यूटी के जितने भी एपिसोड देख रहे हैं उनको ऐसे कंडीशन करना है कि जैसी सिचुएशन आए, वी हैव टू जस्ट से इनर ब्यूटी एंड एवरीथिंग विल कम। नहीं हो सकता है कि इसमें जो से जो सारे एपिसोड्स है, जो जो बात आपको अच्छी लगी हो उसको याद करो, देन डू इट। तो जब जब भी आप करेंगे वही फीलिंग आएगी। हो सकता है कि वो सारी मेमोरी ना आए, परंतु उस समय जो आपको फीलिंग फील कर रहे थे, जो आपके इमोशंस थे, वो सारा का सारा आपको याद आ जाए। इनर ब्यूटी शब्द आएगा ना, I will remember। इस प्रकार अगर हम वो याद भी करेंगे कि अलग अलग एपिसोड्स में कौन सी अच्छी बात आई, और उसको याद करो, फिर तुरंत ही कंडीशनिंग करो, तो ये हाथ पकड़ना जरूरी है। हाँ, कोई, लेकिन ये बेस्ट है, मैंने कोई देखा, फिजिकल कोई चीज। हाँ, कि तो क्योंकि आप वो एक्ट कहीं भी कर सकते, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में भी है, कुछ आपको फ्रस्ट्रेशन आया, आप ऐसा करेंगे किसको पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं, पर आप वो कंडीशनिंग कर रहे हैं इजीली, जैसे लोग ऐसे करते हैं कई बार। या दैट आल्सो कैन बी कंडीशनिंग, मे बी अ कंडीशनिंग ओनली, या डेफिनेटली। अच्छा, कोई और टेक्निक्स भी है डॉक्टर? और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको कहते हैं फायर टेक्निक, FIRE, फायर। एफ का मतलब है फील, कि जब भी आपको लगा कि भाई ये मेरे में प्रॉब्लम है, मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो उस सारे इवेंट को एक बार तो याद करो, है ना, फील करो, फिर उसे इंटेलेक्चुअलाइज करो, क्योंकि बुद्धि है वह तर्क की भाषा समझती है कि क्यों हो रहा हूं मैं ऐसा, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा हूं, क्यों मुझे डिप्रेशन हो रहा है। नहीं, या तो उससे मुक्ति कैसे पानी है, उसके लिए तर्क दो। अगर अच्छा सा तर्क मिल जाए कि भाई यह मैं करूंगा तो मेरे में स्टेबिलिटी आएगी, एसर्टिव बनना इसलिए जरूरी है, इस प्रकार से आप अगर अच्छे से तर्क 4-5 चीजें लिख भी सकते हैं, उसको बार बार रिपीट करो, आर इज रिपीट एंड ई इज विथ इमोशंस। आज इमोशंस डीप में जाते हैं, तो इमोशंस के साथ आपने जो तर्क दिया उसको बार बार रिपीट करो, तो ये फायर टेक्निक से भी जो भी हमारे में वो अग्लीनेस है कि जिसके कारण इनर ब्यूटी है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। बल अभ्यास की जरूरत है, कोई यह ना कहे कि मैंने एक बार कर दिया नहीं हुआ, वो बार बार करना पड़ेगा। मुरली से भी ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यही मैं कहना चाहती थी कि परमात्मा की शक्ति, हर बार इस मंच पर हम बात करते आए हैं तो वो हमें कितनी मदद करती है। जैसे हमने इतने दिनों में जो किया, ऑलरेडी 10-12 दिन में हमें एक रिकैप की जरूरत पड़ी, भूल गया था सब कुछ, तो इसलिए जब हम रोज सुबह मुरली सुनते हैं वो हमारा रोज का रिकैप होता है कि हमें क्या करना है, क्या परिवर्तन लाना है। तो रोज दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान से जब शुरू होती है, तो जब भरती जाती है ना कोई भी चीज, आप बार 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 सुनते जाएंगे एंड कंफर्टेबल फील हो रही है, करना भी चाहते हैं, लेकिन अ डेली रिमाइंडर मेक्स थिंग्स वेरी इजी। एंड दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक है आत्मा अपने ऊपर मेहनत कर रही है,
लेकिन एक है आत्मा, एक परफेक्ट बीइंग के साथ जब कनेक्ट हो जाती है तो उसकी पावर जो हमें मिलती है, यू नो, एक वो जैसे हमें गिल्ट पर वर्क करना है, हम एक ऐसे से कनेक्ट हो जाएं जिसको कभी गिल्ट नहीं होता, जस्ट बिकम्स वेरी नेचुरल. एक ऐसे से कनेक्ट हो रहे हैं जो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है. दैट पावर एंड दैट लव विल हेल्प अस टू डू दिस. जो हमें एफर्ट लग रहा था ना, एफर्ट तब है क्योंकि हम बहुत डिस्चार्ज्ड हैं और डिस्चार्ज्ड एफर्ट कर रहा है तो मेहनत लगती है, लेकिन साथ में एक पावरफुल व्यक्ति है. यू नो, लाइक एक्सरसाइज करनी है, कमज़ोर है नहीं होता, लेकिन साथ में कोई बहुत पावरफुल है जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वो करता ही जा रहा है और उसकी प्रेजेंस, हाँ, उसकी प्रेजेंस ही मुझे करने में ईजी लग देती है. मैं अकेली कर रही थी तो नहीं कर पा रही थी, और आज उनके साथ कर रही हूँ तो मेरे को लग रहा है मेरे से हो पा रहा है, बिकॉज द पर्सन हु आई एम विद इज परफेक्ट इन दैट एंड हैज गिविंग मी दैट पावर, द मोटिवेशन एंड द नॉलेज. तो वो परमात्मा का रोल है. तो परमात्मा से डेली कनेक्शन, एक कंटिन्यूस कंपेनियनशिप एंड रोज मुरली विल मेक दिस होल जर्नी वेरी वेरी इजी एंड नेचुरल, सिंपल एंड नेचुरल. तो एफर्ट वर्ड जो आप यूज करते हैं वो निकल जाएगा फिर. एक मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सबको करनी चाहिए. हर मुरली में अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं. मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने इंडेक्स बनाई, अलग अलग प्रकार के इंडेक्स, कि भाई ये जैसे टॉलरेंस है, ये जो हमने इनर ब्यूटी की बातें डिस्कस की उसके अलावा भी कुछ है, वो इंडेक्स बनाई है, उसको पेज नंबर दिए है, और फिर मुरली में जो उससे रिलेटेड पॉइंट होता है मैं उस पेज पर लिख देता हूँ. तो मेरे पास अब मतलब एक एक पॉइंट के 5-6 पेजेस है, तो एक चीज के 10-12-15 पॉइंट्स है, और दोबारा उसको जब भी वो सिचुएशन आती है उस पेज को खोलो, वो पॉइंट को बार बार रिपीट करो, इमोशन से सब टेक्निक जो बोला, पेप टेक्निक, फायर टेक्निक, वो करो, मैंने देखा इमीडिएट चेंज आ जाता है. आई थिंक दैट्स गुड, यू नो, हेल्प्स इन स्टेबिलिटी. दोनों तरफ का साथ मिलता है, एक उनके साथ के होने की पावर और दूसरा मेरे को अपना मोटिवेशन, यू नो, लाइक आई, बिकॉज़ आई वांट टू डू इट. आपका बीच में के भी था वांट, यस, आई नो दैट वी रियली वांट टू डू दिस. योर तर्क है, मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है वास्तव में, कि वो तर्क इतना पावरफुल है कि एक पॉइंट बड़े से बड़ा डिप्रेशन भी समाप्त कर दे. मैंने कई बार देखा है कि जिनको हमें भी लगता है कि ये व्यक्ति दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं है, ऐसे लोग भी, ये हमारी इस प्रोग्राम के द्वारा ही एक बहन ज्ञान में आई है, और वो भी वो बहुत गरीब है, और जब हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि ये कोर्स फ्री होता है तो उसको अच्छा लगा कि अरे फ्री है तब तो मैं कर सकती हूँ. वो सेंटर पर गई, उसने कोर्स किया, आप सच नहीं मानेंगे, पूरा उसका डिप्रेशन समाप्त हो गया. डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. जब बाहरी सुंदरता को हम देखते हैं तो भाई नाक कैसा होना चाहिए, आंखें कैसे होनी चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए, रंग कैसे, हम उस पर पूरा फोकस रखते हैं. अब इस पूरी श्रृंखला में हमें समझ में आया कि इनर ब्यूटी के लिए हमारे पास अडेप्टेबिलिटी, किस तरह हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, इतने सारे फैक्टर्स जिनके बारे में शायद हम सोच ही नहीं रहे थे, और अंदर से सचमुच कितने अगली थे. अब क्या हम अगली रहना चाहते हैं या हम दोनों तरह की सुंदरता पर ध्यान देना चाहते हैं? और मुझे लगता है कि अगर हमने ये इनर जो ब्यूटी के एस्पेक्ट्स हैं इन पर ध्यान देना शुरू किया, बाहरी ब्यूटी अपने आप आने लगी, क्योंकि मुझसे जो निकलेगा, मेरे सामने जो आ रहा होगा सामने, वो सचमुच सुंदर होगा. ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ में है. अब नाक, आँख, चेहरे को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सचमुच इन एस्पेक्ट्स पर काम कर सकते हैं. कोई बात अगर मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें फोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 0999974455. इनर ब्यूटी, इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ये सफर आगे चलता रहेगा. आपसे फिर मुलाकात होगी. ओम शांति. ओम शांति.
शांति।